बड़ा सी गलती ने मेरी सोनिया की जान ले ली। ये कोड़ा मैं इसका लग गया उसके सर पे बेचारे दम दे दी। अल्लाह मुझे सबर दे दे, नहीं बर्दाश्त तोड़ा उसे बर्दाश्त नहीं वाला। क्या कह रहा है? झूठ बोल रहा है, यहाँ पे खड़ा हो गया कुछ मत बोलो तो नहीं छोड़ मिले से। क्या कर रहा है तू, पागल हो गया? अच्छा मारा, किसी ने मारा सभी आप ही को। क्या कह रहा है तू? तूने तकलीफ पहुंचाई है ना, पागल तू मुझे मार रहा है। सभी पकड़ से मार रहा है, पकड़ से मारा ना सभी माजी का छोटी से लेकर जरा चांस से मारूंगा तुझे। वापिस आता है जहाँ चला दूंगा देखे तेरे जैसे डाला मैंने। दिल नहीं कर रहा, खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा या फिर मेरे साथ नहीं खाना चाहती? आप ऐसा क्यों समझ रहे हैं? बस अजीब सा दिल हो रहा है, कुछ भी करने का जी नहीं चाह रहा। वैसे मुझे लगा था कि तुम यहां मेरे साथ आके खुश होगी, अच्छा लगेगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं भी नहीं खाता। आप खाना खाएं, मैं भी खा रही हूं। ये शाहिद भाई ने भी किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। आपके पास उसका कोई और नंबर नहीं है? अच्छा चले ठीक है। क्या हुआ, मिला कोई और नंबर? उसके सारे दोस्तों से पूछ रही है। लगता है जवेरिया की किस्मत में ही नहीं लिखा, सुबिया बाजी से आखिरी बार मिलना। अल्लाह ना करे ऐसा हो। आखिर जवेरिया का इंतजार कब तक करेंगे? तो शाम हो रही है। ठीक कह रहे हैं आप चाचा, रात होने से पहले पहले मैयत को दफना देना चाहिए। मैयत को दफनाने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए, मैयत को जिया था देख करना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर चाचा जवेरिया तो अभी आई नहीं है, अगर उसे इतला हो जाती ना तो हम लाजमी उसका इंतजार करते। लेकिन उसका तो मोबाइल ही बंद है, क्या पता मोबाइल खुले ना खुले। शुरू चाचा ठीक है, अब और देर करना मुनासिब।
अम्मी, मैयत को नमाज जनाजा की बेबी जा रहे हैं। असर की नमाज नहीं, नमाज जनाजा करा देंगे। कितने को उसका इंतजार करेंगे हम लोग, समझने की कोशिश करें, कोशिश करेंगे। सोफिया को नहीं देखने देगा तू, नहीं देगा, फिर वो नहीं आएगी, नहीं आएगी, तेरी बहन वापस नहीं आएगी, नहीं आएगी, तस्लीम मत, इतना सुलभ मत कर, मत कर, इतना सुलभ। रेहाना सब्र कर, मैयत को जितनी जल्दी दफना दे उतना अच्छा है, इजाजत दे। जवेरिया, 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 कहाँ है तू? जल्दी से आजा, तेरी बहन जा रही है जवेरिया, उससे मिल ले जवेरिया, तेरी अपनी बहन से मिल ले, वो भी तुझसे मिलना चाहती है, आजा जवेरिया, नहीं जवेरिया। शाह साहब, शाह साहब, हार मैं लेकर आ गया हूँ और कुर्ता लेने जा रहा हूँ। बनाने दे, इनकी कोई जरूरत ना है। क्यों जी, क्या हुआ शाह साहब? लोग की भतीजी मर गई ना, उन सुसरी को भी हमारी शादी से पहले ही थोड़ा टाइम मिला, कहा हो जाए थोड़े दिन बाद मर जा, पर मेरे को जानते नहीं, बुनियादी कमीना हूँ, अपनी बारात तो ले ही जाऊंगा। हाँ थोड़े दिन इंतजार है, कर लेंगे। बड़ा जाते हैं, अब खड़ा खड़ा था ना, दबाओ। दे, खड़ा बा कल परसों से ही। हाँ क्या हुआ? कहाँ है तू? तो मुझे कहाँ होना चाहिए? घर में बैठा हूँ अपने। अरे कमबख्त, मर्दूत तेरी बीवी की मैयत उठने वाली है और तू गायब है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं तो कहती हूँ खरी खरी, चाहे किसी को आग लगे। अरे तुम्हारी खरी खरी जो है ना, अपने बाज ही रखो, मैयत उसकी उठ रही, मेरी की उठवा रही हूँ मैयत। अभी अच्छा खासा फट्टा हुआ मेरा नबील से। क्या? अरे ठीक ठाक धुना है उसने मुझे, बेगैरत ने। अरे तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अभी जाके ऐसी खबर लेती हूँ ना, याद करेगा कमबख्त। अरे मेरी बात सुनो, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इतना सा भी नहीं बोलना। अभी तो उसने एक दफा ही बोला है ना, अब दोबारा उससे बोला ना तो सारा राज खुल जाएगा। और बात किस पे आएगी? तुम पे और मुझ पे, दोनों पे। हैं? मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया है कि तुमने कभी सूफिया पे हाथ नहीं उठाया क्या? अच्छा छोड़ सब। अरे सूफिया की मैयत उठने वाली है, तेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है, समझ रहा है ना तू? जल्दी आ। अम्मा जब मैंने एक दफा कह दिया मैं नहीं आ रहा तो मैं नहीं आ रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे अम्मा खुदा के वास्ते मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अभी अभी नबील ने मुझे मारा है, हैं? अभी मेरे पास बहाना है कि उसने मेरे पे बहतान लगाया, इल्जाम लगाया, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मुझे बेइज्जती महसूस हुई, मैं ये छोड़ के चला आया मैं। और बात सुनो, मैं एक बात सीधी सीधी कह रहा हूँ, मुझे नबील से लगता है डर, मैं ठीक ठाक बदमाश है वो, कुछ हो गया तो। अच्छा चल ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ, मगर तुम तो ला दे।
चलो कब्रिस्तान जाओ। जी भाई चलते हैं। खाला को बता दो कि हम लोग कब्रिस्तान जाए। किंजा 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 वो अम्मी को बता देना कि हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं। मैं भी चलूंगी कब्रिस्तान। पागल हो गई हो क्या? लेडीज नहीं जाती कब्रिस्तान। सोबे बाजी हमें कितना जल्दी छोड़कर चली गई। काशिफ मुझे घर कॉल करनी है, आपका फोन चाहिए। फोन? वो मेरे फोन में कोई मसला हो गया है, पता नहीं ऑन ही नहीं हो रहा, देखो। तो फिर अभी घर चले। अभी 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 आए हुए दिन ही कितने हुए, कुछ दिन और रुक जाते हैं तो घर ही जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे अभी घर जाना है, मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा। तो फिर आई क्यों थी यहाँ पर? पहले तो मैं आने की लगी हुई थी, अब जाने की पड़ी हुई है। आपको रुकना तो आप शौक से रुकिए, मैं नहीं रुकूंगी। अच्छा तो अकेले जाने दो तुम्हें यहाँ से, ताकि अम्मा मुझे ताने दे देकर ही मार। तो फिर आप भी साथ चलें। तुम अपने शौक से आई थी ना हनीमून पर, जबरदस्ती तो नहीं लेकर आया था तुम्हें? फिर अब जाने की थी, जल्दी क्यों कर रही हो? मुझे क्या पता था हनीमून इतना बोरिंग होता है। तो फिर अब क्या करूं तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए? डांस करूं तुम्हारे लिए? उसका भी कोई फायदा नहीं, मैं बोर ही होंगी, मुझे बस घर जाना। मैं बैग पैक कर रही हूँ, आप भी रेडी हो जाओ। कुछ तो खा लीजिए। लेकिन सर मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे अलग से खाना नहीं चलेगा, ले जाओ इसको। आपके इस तरह से खाना ना खाने से क्या सुबह बाजी वापस आ जाए? नहीं ना, बल्कि इस तरह उन्हें और तकलीफ होगी। जो भी ये फोन आया नहीं, उसका और काशिफ दोनों का नंबर ऑफ हो गया है। तुम ही जाके पप्पू से मालूम कर लो, हो सकता है काशिफ ने वहां फोन किया हो। गया था पप्पू के यहाँ भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी तक कोई फोन नहीं आया। मेरी जमेनिया ने तो अपनी बहन का मुंह भी नहीं देखा, कैसे बताऊंगी, कैसे बताऊंगी कि उसकी बहन उसे मिले बगैर मिट्टी में चली गई। प्लीज आप मत रो, आ जाएगी। भाई सुना, फिर से रोना शुरू हो गई। इधर मेरी तरफ देखिए, देखिए क्या आप चाहती हैं कि आपकी वजह से सोबिया बाजी को तकलीफ हो? फिर रोना बंद कर दीजिए। शायद सोबिया को कंधा देने क्यों नहीं आया? शायद भाई आए थे मैयत में, मगर 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 क्या? वो नबील भाई से उनको झगड़ा हो गया था, वापस चले गए। क्या झगड़ा? किस बात पे हुआ था झगड़ा? शाहबुद्दीन मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ किस बात पे झगड़ा हुआ था? वो अम्मी नबील भाई का कहना है कि सुबह बाजी के मौत के
जमींदार शायद मैं ही हूं।